हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्किल सीकर्स। आज हमारा टॉपिक है वर्ड के कुछ कूल ट्रिक्स। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले हम वर्ड में जा रहे हैं। वर्ड में आपको ब्लैंक शीट लेनी है। इसमें कूल ट्रिक्स हैं कि आप अंडरलाइन तो कर सकते हो सिंपल यहाँ से यू से। अगर आपको सिंपल शॉर्टकट से करना हो तो वो कैसे करोगे? आपको यहाँ से शिफ्ट से ये साइन प्रेस करना है 3 बार एंड एंटर प्रेस करना है। आप देखोगे कि आपके पास जिग जैग वाला कुछ अंडरलाइन आ गया। इफ अगर आप प्रेस करोगे हैश 3 टाइम्स एंड देन प्रेस एंटर, आपके पास कुछ इस तरह की अंडरलाइन का डिज़ाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 बार स्टार प्रेस करना है आपने एंड एंटर प्रेस करना है तो डॉटेड लाइन में अंडरलाइन आ जाएगी। उसके बाद आपने शिफ्ट दबा के अंडरस्कोर प्रेस करना है 3 बार, ये भी 3 टाइम्स एंड एंटर प्रेस करना है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिक वाली एक लाइन आ जाएगी। उसके बाद सिंपल हाइफन प्रेस करना है 3 बार, एंटर प्रेस करना है तो ये विदाउट बोल्ड लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट आपको सिंबल चाहिए, आप इंसर्ट में जाके यहाँ से सिंबल लगाते हो, बट मेरे पास कुछ ऐसे सिंबल हैं जो आपको वहाँ से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे कर सकते हो। आपको सिंपल प्रेस करना है शिफ्ट दबा के सेमी कॉलन, सेमी कॉलन प्रेस करना है एंड ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो इससे क्या होगा, आपके पास स्माइली आ जाएगी हैप्पी वाली एंड सेमी कॉलन ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, इससे क्या होगा सैड स्माइली आ जाएगी। दोबारा सेमी कॉलन से आपको एक ये लाइन प्रेस करनी है, देन आपके पास क्या होगा सिंपल सी स्माइली आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है, अगर आपको सिंपल किसी कंपनी के पीछे सी लिखना होता है सर्कल में, कंपनी या आर लिखना होता है, रजिस्टर्ड या टीएम लिखना होता है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको प्रेस करने जैसे ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल सी ब्रैकेट क्लोज, ये कंपनी बन गई। आपको रजिस्टर्ड करना है ब्रैकेट स्टार्ट आर ब्रैकेट क्लोज, इससे क्या होगा ये आर रजिस्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको टीएम लगाना है ब्रैकेट स्टार्ट टीएम ब्रैकेट क्लोज, ये टीएम लिखा जाएगा। उसके बाद हम कुछ बना रहे हैं बुलेट्स, आप बुलेट्स लगा सकते हो यहाँ से, इजीली लग जाएंगे। आपको आगे भी न्यू बुलेट में चाहिए तो आप न्यू बुलेट्स भी ले सकते हो, बट मैं क्या करना चाहती हूँ कि मुझे यहीं पे सारे बुलेट्स क्रिएट करने हैं। आपने लेस देन का साइन लगाना है और 2 डैशेस लगानी है, इससे क्या होगा ये साइन बन जाएगा। ऐसे ही 2 डैशेस लगानी है एंड ग्रेटर देन का साइन प्रेस करना है तो इस तरह का बुलेट लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेस देन 2 बार इक्वल टू प्रेस करना है, लेस देन 2 बार इक्वल टू, ये थोड़ा थिक एरो बन जाएगा। इक्वल्स टू ग्रेटर देन डालना है, ये फॉरवर्ड का थिक एरो बन जाएगा। उसके बाद आपको दोनों तरफ एरो चाहिए, जैसे कि मैंने कहा लेस देन इक्वल्स टू, एक और ग्रेटर देन डालोगे इससे क्या होगा दोनों साइड एरो हो जाएंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। कुछ बिटवीन शो करना हो उस चीज़ के लिए आप ये एरो यूज कर सकते हो। बाई डिफ़ॉल्ट वर्ड में क्या होता है कि आप 1 और ST टाइप करते हो, तेज दबाते हो ST ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है, 2 and D यानी कि सेकेंड लिखना हो तो ये भी आपका ऐसे ऊपर चला जाता है, 3rd लिखोगे तो ऐसे 3rd ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको बुलेट्स क्रिएट करने हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 1, 2, 3 ऐसे नीचे आता है, जैसे मैंने फर्स्ट पे मैंने लिखना है फूड, सेकेंड पे लिखना है, जैसे फर्स्ट पे लिखना है हेल्दी फूड, सेकेंड पे लिखना है अनहेल्दी फूड। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, 1 dot tab मैंने लिखा हेल्दी फूड एंटर अनहेल्दी फूड, इससे क्या हो जाएगा आपकी बुलेट्स की लिस्ट बन जाएगी और आप कितने मर्जी नंबर ऐसे ही ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप नंबरिंग में बुलेट बनाना चाहते हो, आप अल्फाबेटिकली बनाना चाहते हो A dot tab तो ये अल्फाबेट का बन गया।
ए का बनाना है ए डॉट टैब, जो कुछ भी लिखोगे ऐसे बुलेट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपने टेबल लेना है, बाय डिफॉल्ट आप टेबल पहले कहाँ से लेते हो, यहाँ से लेते होगे। आपको मेरे तरीके से लेना है तो क्या करोगे, शिफ्ट दबा के प्लस का साइन लगाओगे एंड डैशेस लगाओगे, मतलब कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, एंड फिर प्लस डैशेस, फिर प्लस, फिर डैशेस, प्लस डैशेस, एंटर प्रेस करोगे तो आपका टेबल बन जाएगा। आपको नीचे और चाहिए तो टैप टैप करते जाओ, आपका टेबल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिए मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 45, 63, 25, 87, टैप टैप। आपको इनका टोटल यहाँ पे करना है, तो वर्ड में टोटल करना आपको कैसे करोगे, कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करना है, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, जो भी फॉर्मूला लगाना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लगाना है। ध्यान रहे कि कंट्रोल एफ नाइन प्रेस करना है आपको। इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आपको अबव का टोटल करना है, अबव करोगे, लेफ्ट का करना है लेफ्ट लिखोगे, राइट का करना है राइट का करना है, जो भी है शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज। ओनली अब सिंपल एफ नाइन प्रेस करना है, टोटल हो गया। नेक्स्ट फिर आपने प्रेस करना है कंट्रोल एफ नाइन, आपको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 56 इंटू 85, एंड आप एफ नाइन प्रेस करोगे तो इससे क्या होगा, ये कैलकुलेशन होके आपके सामने आ जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस कुछ भी कर सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो शेयर करें। थैंक यू।